इस बकरी को भी नहीं छोड़ेंगे, बकरी को भी उठाओ। सारे हो सके थे इतने मॉब को उठाओ। ओए ओए, बकरी को कुछ नहीं लग रहा। माइनक्राफ्ट के काफ़ी मॉब हमको परेशान करते हैं, लेकिन आज हम लोग उनको परेशान करेंगे। और वो कैसे परेशान करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ये स्टिक की मदद से। इस स्टिक से हम लोग ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्टिक इतनी पावरफुल है, कोई भी चीज़ को हवा में उठा लेते बिना किसी झंझट के। मतलब बस उस पर क्लिक किया और उसको हवा में उठा लिया। एकदम सिंपल सा है, अभी ट्राई करके देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इस मुर्गे के ऊपर ट्राई करते हैं। भाग किधर है, रुक। एक दो तीन, उठा लिया इसको, हवा में उठा लिया है हमने। क्यों हिला डाला ना इसको, खुले मैदान में ले जाके इसके साथ मजे करते हैं। फिलहाल तो ये बीच में क्या हो गया, इसको डरते। ओए मुर्गी तो भागे, लेकिन इस पिक के साथ थोड़ा खेलते हैं। ओए मर गया गलती से। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। वापस से दूसरी मुर्गी को उठाते हैं। मुर्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही मजा आता है यार। इसको सीड्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसको पेड़ के ऊपर ही बिठा देते हैं। पेड़ के ऊपर बैठ, वहाँ से नज़ारे देख, फिर इसको हमेशा सीड मिलते रहेंगे। टाटा। सर्वाइवल में तो सारे मॉब ढूंढने में बहुत देर लग जाएगी, इसलिए हम लोग क्रिएटिव का यूज़ करें। और सबसे पहले तो आयरन गोलम स्पॉन करते हैं, क्योंकि जब भी विलेज में जाते हैं किसी भी विलेजर को हम छूते हैं तो ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। लेकिन आज हम इसको उड़ाएंगे, हवा में उठाएंगे। और ज़मीन के अंदर क्यों चला गया भाई, और इसको भी हवा में उठा लिया है। ओ भाई साहब, ये स्टिक सच में पावरफुल है, इसको भी पेड़ के ऊपर रखते हैं। फिलहाल तो हमने वेदर को स्पॉन कर दिया, मतलब ये खतरनाक चीज़ों को अब हम लोग स्पॉन कर रहे हैं। और इसके साथ थोड़ी सी तबाही मचाते हैं। आयरन गोलम को वहाँ से देख के गुस्सा हो रहा है, आयरन गोलम को इसके साथ कंबाइन करते, देखते हैं कौन जीतता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। दोनों को एक साथ उठा लिया। लेकिन ये नीचे क्यों देख रहा है यार, ये नीचे क्यों देख रहा है, इसका मुँह शर्म से झुक गया क्या। बेचारे को डर लग रहा है, मतलब उसको अब लड़ेगा तो फिर वो उसको फोड़ ही डालेगा, उसके इतने नज़दीक है। वार्डन को स्पॉन करते हैं। वार्डन आ चुका है और इसने दबाई मचाना शुरू भी कर दिया। ये विदर को तो मारने वाला है, पक्का है ये विदर को मारेगा। इस बकरी को भी नहीं छोड़ेंगे, बकरी को भी उठाओ। सारे हो सके थे इतने मॉब को उठाओ। ओए बकरी को कुछ नहीं लग रहा, विदर को लग रहा है, बकरी को नहीं लग रहा। कितनी पावरफुल बकरी है ये क्या बकरी है यार, ये लेजेंड बकरी है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ तो झुक। यार ये गाय और बकरी, मतलब सेवेज गाय और बकरी, मतलब दोनों एकदम आराम से बैठे वो ऊपर लड़ रहे हैं अपने आप से। अब इस वेदर को साइड में रखते और विलेज में जाते हैं। लेकिन ये दीवार में क्यों जा रहा है यार, इतना दुखी हो गया हमसे। छोड़ो यार इसको, अभी हम लोग विलेज में जाते हैं। विलेज में जाके विलेजर्स के ऊपर थोड़ा सा तबाही वाला माहौल बना देते हैं। और सबसे पहले तो ये बच्चा, सबसे पहला ये बच्चा हमारे हाथ में आएगा। मतलब इसके ऊपर हमने ग्रेविटी का इस्तेमाल कर लिया है, घोड़ा भी आ गया, पूरे विलेज को हम लोग उठाने वाले हैं। जो भी आ सकते हैं सबको उठाएंगे, जितने भी विलेजर, जितने भी मॉब्स, जितने भी चीज़ें होगी सारी चीज़ें को मैं उठा लूँगा एक साथ, पूरा विलेज किडनैप। ये भी बच्चा आ जाओ, और भी कितने भी विलेजर सारे आ जाओ, जितने आ सकते हैं उतने आ जाओ, पूरा विलेज एक साथ किडनैप होने वाला है आज। इन सारे विलेजर्स को उठाने में कितनी आसानी हो रही है, वरना पहले तो रेल कार्ट बनाओ या फिर बोट बनाओ, पूरा रास्ता बनाओ, नदियाँ बनाओ, रेल ट्रैक्स बनाओ, क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन ये स्टिक बहुत ही सारा काम कम कर देते, पूरा विलेज एक साथ ही उठा लेंगे, एक साथ पूरा का पूरा किडनैप। मतलब अब कोई भी यहाँ पे बचा होगा ये भी विलेजर को उठा लेते, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इस विलेज की बकरी तक नहीं बचनी चाहिए, इस विलेज का घोड़ा तक नहीं बचना चाहिए। एक और बार पीछे राउंड मार के आते, अगर कोई रह गया हो बाई चांस तो फिर वापस से उठा लेंगे उसको। कोई भी नहीं रहना चाहिए, मतलब एक दिन में पूरा विलेज गायब। इतना बड़ा स्कैम आज तक ना किसी ने देखा होगा, ना किसी ने सोचा होगा करने के लिए। सबसे पहले तो ये पिग्स बच गए थे, अभी ये माउंट का ऑप्शन आ रहा है। घोड़े पे बैठ के हम लोग जाते हैं सफ़र पे, इन सबको ले जाते हैं कहीं पे बैठ जाए। और ये क्या हो रहा है, ओए मैं हवा में क्यों उड़ गया। सारे मॉब्स मर गए सिवाय आयरन गोलम, मतलब सब के सब। ओ भाई क्या हवा में उछले थे यार।
आप लोगों को ये जगह देख के पता तो चल ही गया होगा कि ये कौन सी जगह है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये हम लोग आ चुके हैं एंड को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमने यार इस जगह पे तो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा ली। इस जगह के तो किंग बन गए, लेकिन एंड के भी किंग बनना अभी बाकी है। देखो, अगर मैं इस बोट को यहाँ पे रखूंगा ना, तो मैं दीवार के आर पार देख पाऊंगा। अब भी एंड बोटल मिल जाएगा। ओ चूना लगा दिया। कुछ दिख नहीं रहा यार, मतलब ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है यार? स्कैम हो गया, स्कैम वापस से क्यों हो रहा मेरे साथ? इतना स्कैम क्यों हो रहा है यार? एक और जगह पे रख के देखते हैं, शायद इधर पे मिल जाए। आशा रखते हैं मिल जाए तो बढ़िया है। लेट्स सी यार, मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। ओ यार वापस से स्कैम। एक और बढ़िया ट्रिक मिली है, इस वेदर को हम लोग जहाँ पे भी ले जा रहे हैं ना, वहाँ के ब्लॉक गायब हो जा रहे हैं। इससे हम लोग जल्दी से एंड पोर्टल ढूंढ पाएंगे। मतलब क्या स्पीडी ट्रिक है, फटाफट से मिल जाए तो बढ़िया है। वे ढूंढते हैं, तेजी ना काम करते हैं। Meanwhile यार ये भी स्कैम करेगा क्या? मतलब कब का ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अब तो आशा भी टूट गई है यार, कितनी देर तक अब कोई इंसान ढूंढेगा? फाइनली मिल चुका है। कब का ढूंढ रहा था, इस वेदर को यहाँ पर ही रख देते, अब इसका कोई काम भी नहीं। मतलब वेदर या नेदर क्या बोल रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे तो हम लोग आँख लगा के पोर्टल जल्दी से खोल डालते। कितनी खुशी हो रही है, कब का ढूंढ रहा था अब जाके मिला है। फटाफट से आँख लगा देते हैं ये एक, और थोड़ा सा पोषण पी लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 आँख लगा गई है। और ये वेदर क्या इधर वापस आ रहा है? इसको नहीं ले जाना है, तू मत आना, वरना वहाँ पे ज्यादा कुछ तबाही मच जाएगी, हम अकेले ही जाएंगे। ओए झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर। अगर उसने यार इसका मैं क्या करूँ, मना किया था फिर भी आ गया, ये मेरी बात तो सुनेगा नहीं। ये गेम है ना यार, असलियत होती तो फिर मैं इसको देख लेता। फिलहाल एंडरमैन के साथ थोड़ा सा पंगा लेते, मतलब अभी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको मैं स्टिक से पकड़ भी लूँगा तो ये टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाएंगे, और यहाँ पे अनलिमिटेड स्पॉन होते ही रहते। देखते हैं कितने एंडरमैन हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब क्या मज़ा आता है ना। इस वेदर ने तो मेरा खून पी लिया, मतलब एंडरमैन भी इकट्ठा नहीं करने दे रहा। तो मैंने ना अभी गलती कर दी है, गलती से दो एंडरमैन एंडर ड्रैगन को स्पॉन कर दिया है। मतलब मस्ती में मैंने किया था, लेकिन सोचा नहीं था इतना हार्ड होगा। फिलहाल हमने एक को तो मार दिया। ये जो एक बचा है इसका भी जल्दी से काम खत्म कर देते। Meanwhile फाइनली हम लोग एंड सिटी में जाने वाले है। बोट को प्लेस कर दे। यार ये क्या हो रहा है, मतलब बोट रख रहा हूँ गायब हो रही है। टेलीपोर्शन का आवाज़ भी आ रहा है लेकिन ये गायब हो रही है, ये क्या? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। छोड़ यार, बेड रॉक तोड़ के ये अंदर चले गए थे। मेरी कितनी इच्छा थी बोट पर बैठ के अंदर जाने के लिए। फिलहाल ये क्या मस्त ब्लॉग रखे हैं ना यार, इससे घर बनता तो मजा आता। ओ भाई, मतलब बोट टेलीपोर्ट हो रही थी, मुझे होना था लेकिन मैं नहीं हो पा रहा था। वाह भाई, इसलिए टेलीपोर्शन का आवाज़ आ रहा था। अच्छा, मैंने एंड सिटी तो ढूंढ लिया, लेकिन सबसे पहले एंड सिटी के अंदर जाके हम लोग को इलाइट्रा लेना है। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई बोट तो दिखी नहीं जिसमें इलाइट्रा होता है। फिर भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। मतलब मैं एंड सिटी में बहुत ही कम बार आया हूँ, माइनक्राफ्ट में बहुत टाइम से खेल रहा हूँ लेकिन बहुत कम बार आया, मुझे बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में। और ये बॉक्स, और ये इस बॉक्स का नाम मैं भूल गया हूँ, इस बॉक्स को क्या कहते हैं यार, जल्दी से बताना। इसको मैंने पकड़ लिया, ये टेलीपोर्ट हो जाता है ना इसको मारते तो। हाँ यार, मतलब बेचारा मेरी स्टिक से टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा। ये देखो उधर ही उधर वहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहा है, मतलब दूर कहीं नहीं जा पा रहा। इलाइट्रा लेने आए थे लेकिन इलाइट्रा तो मिला नहीं, और ऊपर से स्कैम हो गया वो अलग। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपको ऐसे ही बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना।